कुछ दिनों पहले मैंने इंट्रोडक्शन पर एक वीडियो अपलोड किया जहां मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि आप अपना इंट्रो कैसे दें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से आप अपना इंट्रो दे सकते हैं, यानी आप कैसे अलग अलग सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप करेंगे ग्रीटिंग्स, यानी आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, फर्स्टली थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और ग्रीटिंग्स के बाद आप बताएंगे फुल नेम। आप अपना फुल नेम इस तरीके से बता सकते हैं, आप कह सकते हैं माय नेम इज आलम, यानी माय नेम इज के बाद आप अपना नाम लिखें, या फिर आप ये कह सकते हैं आई एम आलम, आप ये भी कह सकते हैं माय फुल नेम इज आलम, आप ये भी कह सकते हैं यू कैन कॉल मी आलम, एवरीवन कॉल्स मी आलम, या इनफॉर्मल वे में माय सेल्फ आलम भी बोला जाता है। इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है माय नेम इज। नेम के बाद आपको बताना पड़ेगा एज, यानी उम्र, और आप अपनी उम्र को ऐसे बता सकते हैं, आप कहेंगे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला 25, तो यहाँ 25 की जगह पर आप वो नंबर बोलें जो आपका है, यानी अगर आप 20 साल के हैं तो आप कहिए आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या आप ये कह सकते हैं आई एम ओवर 20, यानी मैं 20 साल से ऊपर का हूँ, या आप ये कह सकते हैं आई एम ऑलमोस्ट 20, मतलब मैं लगभग 20 साल का हूँ, आई एम नियरली 20, यानी करीब करीब मैं 20 साल का हूँ, आई एम अराउंड योर एज, मैं तकरीबन आपकी उम्र का हूँ। तो आप इतने तरीके से अपनी उम्र को बता सकते हैं। इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एज के बाद आप बताएंगे प्लेस, यानी जगह का नाम, और जगह का नाम बताने के लिए आप इनमें से कोई एक बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कंट्री के नाम से पहले अगर आप सिटी का नाम भी बताना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलें आई एम फ्रॉम इंडिया, यानी सबसे पहले आप लिखे सिटी का नाम, उसके बाद आपको कॉमा देना पड़ेगा, फिर आप लिखे कंट्री का नाम। आप ये भी कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम इंडिया, आई कम फ्रॉम इंडिया, माई होम टाउन इज इंडिया, आई ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया। आप आई एम करके भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके आगे बताना पड़ेगा आपको नेशनलिटी, यानी आप कहेंगे आई एम इंडियन, या फिर आप ये कह सकते हैं आई वॉज बोर्न इन इंडिया। इनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है आई एम फ्रॉम, जो कि मैंने यहाँ पर एक नंबर पर लिखा हुआ है। प्लेस के बाद आप बताएंगे एजुकेशन, और आप अपना एजुकेशन ऐसे बताएं, आप कहें आई एम स्टूडेंट एट, उसके बाद आप दे अपने स्कूल या कॉलेज का नाम, या फिर आप ऐसे बता सकते हैं आई स्टडी एट डेवी इंटर कॉलेज, यानी आप कहें आई स्टडी एट, उसके बाद आप अपना कॉलेज का नाम दे दें, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं आई स्टडी अकाउंटिंग या एडवर्टाइजिंग या आर्ट्स, बायोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, फिलोसफी। अगर आप इनमें से कोई कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई एक बोलें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग, उसके बाद आप बताएंगे कि अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आई एम परसुइंग अ बीए फाइनल ईयर, या आई एम परसुइंग अ बीए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। एजुकेशन बताने के लिए ये भी एक तरीका है, आप कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, आई ग्रेजुएट फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। एजुकेशन के बाद आप बताएंगे एक्सपीरियंस, कि आपने कहीं काम किया है या नहीं, अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप अपना एक्सपीरियंस ऐसे बता सकते हैं आई वर्क फॉर ETA एज एन इंजीनियर, ETA जो कि एक कंपनी का नाम है, यहाँ पर आप उस कंपनी का नाम लिखिए जिसमें आप काम किए हुए हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वर्क इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई यूज टू वर्क एज ए इंजीनियर एट दिल्ली, आई हैव बीन वर्किंग इन दिल्ली फॉर 4 years। अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो आप कहें आई एम रिटायर्ड, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है या जॉब के बाहर है तो आप कह सकते हैं आई एम आउट ऑफ वर्क। अगर आपको ये कहना हो कि आप किसी जॉब के तलाश में हैं, तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। एक्सपीरियंस के बाद आप बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में, यानी आप कहेंगे कमिंग टू द फैमिली डिटेल्स, माई फादर इज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर इन दिल्ली, माई मदर इज अ हाउस मेकर। इनके अलावा अगर आप और डिटेल देना चाहते हैं तो आप ऐसे दें, आप कह सकते हैं देयर आर 5 people इन माई फैमिली, या मैंने अपने सेंटेंस बोला 5, लेकिन आपके फैमिली में जितने लोग हैं आप उतना ही बोलें, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं देयर आर 3 of us इन माई फैमिली, या आप ये कह सकते हैं आई लिव विद माई फैमिली। अगर आपका कोई भाई बहन नहीं है तो आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, अगर आपके पास भाई बहन है तो आप ऐसे बोले आई हैव 2 brothers and 3 sisters। फैमिली के बाद आप बताएंगे हॉबीज, यानी आपका शौक क्या है, और आप अपना हॉबीज ऐसे बता सकते हैं वन ऑफ माई हॉबीज इज रीडिंग, पेंटिंग, ड्रॉइंग, प्लेइंग कंप्यूटर गेम, सफरिंग इंटरनेट, कलेक्टिंग स्टैम्प्स आ कॉइन, गोइंग टू द सिनेमा, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, चैटिंग विद बेस्ट फ्रेंड्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, शॉपिंग, सिंगिंग, डांसिंग, हाइकिंग,
ट्रैवलिंग यानी जो आपका हॉबीज है आप उसे बताएं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, माई हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवी। हॉबी के बाद आप बताएंगे स्ट्रेंथ, और आप अपने स्ट्रेंथ को ऐसे बता सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम ऑनेस्ट, आई एम रिस्पेक्टफुल यानी मैं सभ्य इंसान हूँ, आई एम पेशेंट यानी मैं सबरमंद इंसान हूँ। पेशेंट का एक मतलब मरीज भी होता है, लेकिन यहाँ पेशेंट का मतलब है सबरमंद। आई एम फ्लेक्सिबल यानी मैं सख्त इंसान नहीं हूँ। आप ये कह सकते हैं आई एम क्रिएटिव, या आई एम डिटरमाइंड, या आई एम एक्शन ओरिएंटेड। ये आपका स्ट्रेंथ है जिसे आप अपने ताकत में यानी स्ट्रेंथ में बता सकते हैं। स्ट्रेंथ के बाद बताया जाता है वीकनेस, और आप अपने वीकनेस में कह सकते हैं आई एम साई यानी मैं शर्मिला हूँ, नॉट एडेप्ट एट पब्लिक स्पीकिंग, या फिर आप ये कह सकते हैं आई एम नॉट कम्फर्टेबल टेकिंग रिस्क, या फिर आप ये कह सकते हैं आई टेक ऑन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप ये कह सकते हैं आई ट्रस्ट अदर्स इजली, या आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प यानी जब कोई मुझसे मदद मांगता है तो मैं नहीं कह पाता हूँ। यहाँ गोल में आप शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम गोल बताएंगे। जैसे माय शॉर्ट टाइम गोल इज आई गेट अ जॉब इन अ रिपोर्टेड कंपनी, माय लॉन्ग टाइम गोल इज अ गुड पोजीशन इन आवर कंपनी। तो यहाँ आपने देखा कि पहले मैंने अपना शॉर्ट टाइम गोल बताया, उसके बाद मैंने अपना लॉन्ग टाइम गोल बताया, और फिर आखिर में आप कहेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी सर। और इस तरीके से आपने एक शानदार इंट्रोडक्शन दिया।